फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छा होंगे। इसी वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डायमेंशन के बारे में, जो हमारा ड्राइंग क्लासेस पार्ट 4। अगर आप हमारा ड्राइंग क्लासेस पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया, नहीं तो यूट्यूब चैनल में हमारा चैनल में जाकर वहाँ पर चेकलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो प्ले लिस्ट भी ऑलरेडी है ड्राइंग क्लासेस का प्ले लिस्ट। चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा डायमेंशन चैनल, डायमेंशन के बारे में उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और डायमेंशन क्या है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। जब मोस्ट इम्पोर्टेंट देखने वाले वो है मैं दो मतलब टू टाइप का डायमेंशंस सिस्टम्स वो सब देखेंगे, और जो सर्कुलर लिनियर वो ऑब्जेक्ट का डायमेंशन कैसे देते हैं वो भी देखेंगे। चलिए देखेंगे अभी पहले तो एवरी डायमेंशन के क्या डेफिनेशन है, यहाँ पर देख सकते हो तो एवरी विदर एंड स्केल ड्राइंग और प्री हेडेड ड्राइंग्स बिसाइड्स शोइंग द ट्रू शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मस्ट बी एग्जिट लेंथ ब्रेड्थ हाइट साइज एंड पोजिशन ऑफ होल ग्रुप्स ETC एंड सच एज द अदर डिटेल्स रिलेटिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द दैट ऑब्जेक्ट सप्लाइंग दिस इंफॉर्मेशन ऑन ए ड्राइंग इज कॉल्ड डायमेंशन। ये है उसका डेफिनेशन जितना मैं हाईलाइट किया हूँ। देन लाइन्स फिगर नंबर सिंबल्स नॉट्स ETC यूज फॉर दिस पर्पस। क्या क्या यूज करते हैं हम डायमेंशन में, लाइन सिंबल्स नंबर्स ये सब हम यूज करते हैं डायमेंशन में। और एवरी इंजीनियरिंग ड्राइंग में उसका डायमेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा उसका डायमेंशन कितना कौन सा क्या है। ड्राइंग लेंथ दिया है, ये एक जैसे देख सकते हो ये इसका डायमेंशन दिया है, तो देखेंगे अभी डायमेंशन क्या है। डायमेंशन पहले डायमेंशन के कुछ रूल्स है वहाँ पे, ये देख सकते हो डायमेंशन के कुछ रूल्स है, जैसे ये डायमेंशनिंग रूल्स अवॉइड प्लेसिंग एनी डायमेंशन ऑन द पार्ट इनसाइड द व्यू। मीन्स क्या है ना, अगर आप कोई भी पार्ट का कुछ भी कंपोनेंट्स का ड्राइंग बना रहे हो तो उसका डायमेंशन इसी तरह होना चाहिए जैसे कंपोनेंट का आपको अच्छा तरह से दिखना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल मान लो ये देख लो ये, तो इसका क्या है ना, आपको डायमेंशन तो अच्छा देख रहे हैं और कंपोनेंट भी देख रहे हैं, नहीं तो आप डायमेंशन इधर 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 उधर डाल देंगे तो ऐसे नहीं होता है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है, ये सब उसका रूल्स है, डायमेंशन का रूल्स है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिए डायमेंशन का रूल्स जो भी है, मैं इतना वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा इसलिए नहीं बता रहा हूँ पूरा फुल्ली, लेकिन डायमेंशन का कुछ रूल्स है, जैसे उसको अच्छी तरह से लगाना है, अवॉइड डायमेंशन टू हिडन फिक्सर्स, ऑलवेज डायमेंशन होल इन द सर्कुलर व्यू बाय स्टैंडर्ड्स, ऑलवेज क्रॉस उसका एरो आर्क जो भी है ये सब अच्छे तरह से करना है। डायमेंशन सिलेंडर ऑब्जेक्ट आर डायमीटर इन देयर रेगुलेटर व्यू रेक्टेंगुलर व्यू, ये सब का डायमेंशन प्रोसेस है। नेक्स्ट देखेंगे उसका जो डायमेंशन टाइप, तो डायमेंशन टाइप्स क्या है, डायमेंशन टाइप टू टाइप्स डायमेंशन, यहाँ पे टू टाइप्स डायमेंशन टाइप, यहाँ पे ये देख सकते हो द टू टाइप्स डायमेंशन नीडेड टू ड्राइंग आर वन इज साइज और फिक्शनल डायमेंशन सॉरी फंक्शनल डायमेंशन, वन इज फंक्शनल डायमेंशन एंड सेकेंड इज लोकेटिंग और डाटम डायमेंशन। क्या है आपका डायमेंशन दो टाइप का आता है, दो टाइप से एक है साइज और फंक्शनल डायमेंशन, और दूसरा जो है लोकेशन और डाटम डायमेंशन। लोकेशन और डाटम डायमेंशन क्या है, आपका सिंबल्स रहता है सन बाय लेटर्स एफ और एल रिप्रेजेंट, यहाँ पे सिंबल्स रहता है किसमें, लोकेशन और डाटम डायमेंशन पे सिंबल्स रहता है। तो द फॉर्म इंडिकेटेड साइज मेजर लेंथ जो भी है वो सब एक रिप्रेजेंट होता है। देन द लेटर एफ रिप्रेजेंट फंक्शनल डायमेंशन वाइल NF रिप्रेजेंट नॉन फंक्शनल डायमेंशन। जैसे ये एक ड्राइंग शीट ड्राइंग का देखेंगे, यहाँ पे NF लिखा है, NF लिखा है मीन्स आपको क्या ऑलरेडी बोल चुका हूँ, NF मीन्स नॉन फंक्शनल डायमेंशन, वहाँ पे ये डायमेंशन का कुछ फंक्शनल नहीं है, नॉन फंक्शनल डायमेंशन, और F मीन्स आपका फंक्शनल डायमेंशन। जैसे NF सब रिप्रेजेंट किया है डायमेंशन का। देन यहाँ पे L दिया है, देखो L देख सकते हो L और एफ, ये मीन्स क्या है ना, लोकेशन और डाटम डायमेंशन। जो आपका लोकेशन एफ मीन्स ये हॉल का एक लोकेशन दिया है, उसका डाटम डायमेंशन एल मीन्स डाटम डायमेंशन, ये सब दो टाइप के डायमेंशन ऑलरेडी बोल चुका हूँ, एक है साइज और फंक्शनल डायमेंशन और नेक्स्ट अनदर है लोकेशन और डाटम डायमेंशंस। डाटम डायमेंशन जो है उसको हम एफ और एल में रिप्रेजेंट करते हैं।
देन देखेंगे डायमेंशन टाइप, डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ट्रिम एंड नोटेट्स। डायमेंशन लाइन क्या होगा, डायमेंशन लाइन इज थिन कॉन्टिन्यूस लाइन। डायमेंशन लाइन कैसे होना चाहिए, थिन कॉन्टिन्यूस लाइन होना चाहिए। इट इज ट्रिमेंडेड बाय द एरो हेडेड टॉस विद द आउटलाइन, आउटलाइंस एंड एक्सटेंशन लाइन्स एंड सेंट्रल लाइन्स। आपको बोलूँगा वो क्या आउटलाइन क्या है और एक्सटेंशन लाइन क्या है, सेंट्रल लाइन क्या है। वहाँ पे एक एरो हेड मारेगा, ये एक एरो हेड, इस तरह एक एरो एरो हेड होगा। यह एरो हेड होने के बाद वहाँ पे थिन लाइन कंटिन्यूस एक थिन लाइन होगा, देन उसका अंदर आपका डायमेंशन जो भी है डायमेंशन डालना है। तो देखेंगे वो जो एरो हेड आप दे रहे हैं, एरो हेड क्या है ना, एक्सटेंशन लाइन्स, और देखें एक्सटेंशन लाइन्स इन एक्सटेंशन ऑल्सो कॉन्टिन्यूस ड्रॉ इन द एक्सटेंशन लाइन्स फ्रॉमली बी आई ए स्टैंडर्ड एंड ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स हेड डॉक्यूमेंटेड द गैप अबाउट ऑफ एरो हेड बिटवीन कितना होना चाहिए, 1:2 द एक्सटेंडेड बाई द 1 or 3। हाँ, और एक बात है, आपका ये जो डायमेंशन, सॉरी ये डायमेंशन जो भी राइट लिख रहे हो आप, आपको वो 3 mm होना चाहिए, 1 mm to 3 mm अंदर होना चाहिए। और आपका एरो हेड जो उसका डायमेंशन कितना है, 3 times द मैक्सिमम विड्थ, मीन्स आपका ये विड्थ जितना होगा, विड्थ मान लो आपका 2 mm, तो ये कितना रहेगा, 2 into 3 मीन्स 6 mm रहेगा 3 times। ओके, मीन्स ये 2 रहेगा तो ये उसका 2 into 3, 3 times ऑफ द मैक्सिमम विड्थ, ये जितना विड्थ है उसका 3 times रहेगा आपका एरो हेड। यह है एरो हेड का डायमेंशन। नेक्स्ट देखेंगे प्लेसिंग द डायमेंशन और 2 types ऑफ प्लेसिंग डायमेंशंस, मीन्स आपका कुछ भी डायमेंशन का प्लेस है दो टाइप का है। कैसे, एक एलेंस सिस्टम एंड एंड अनडायरेक्शनल सिस्टम्स। एलेंस सिस्टम और अनडायरेक्शनल सिस्टम देखेंगे। एलेंस सिस्टम में क्या होता है, आपका द एलेंस सिस्टम डायमेंशन इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायमेंशन लाइन इज इन सच एज विद द मे बी रीड फ्रॉम द बॉटम एज एंड राइट हैंड साइड एज, मीन्स आपका राइट हैंड साइड एज रहेगा, ये राइट हैंड साइड में दिया है डायमेंशंस, और बॉटम रहेगा, ये बॉटम दिया है एलएस सिस्टम में। देन द डायमेंशंस शुड बी प्लेस्ड नियर द मीडियल इन द एबव बट क्लियर द डायमेंशन लाइंस, आपका डायमेंशन लाइन क्लियर होना चाहिए, ये है एलएस सिस्टम में। देन अनडायरेक्शनल सिस्टम में क्या है, अनडायरेक्शनल सिस्टम में क्या है, कुछ भी डायरेक्शन नहीं दिया, आप किधर भी डायमेंशन लाइन दे सकते हो। जैसे द रीड फॉर्म द बॉटम एज इन द ड्रॉ शीट्स द डायमेंशंस लाइन आर ब्रोकन नियर द मिडिल्स इन साइड द डायमेंशन द सिस्टम इज मेनली यूज लार्ज ड्रॉइंग एंड एयरक्राफ्ट ऑटोमोबाइल ETC। अनडायरेक्शनल ड्रॉइंग में हमारा डायमेंशन लाइन को हम बीच में से, जैसे ये देख सकते हो, और एक बार मैं बता रहा हूँ एलएन सिस्टम में क्या है, जैसे ये राइट हैंड साइड रहेगा, राइट हैंड एज, यहाँ पे राइट हैंड एज दिया है, राइट हैंड एज विथ बॉटम एज, यहाँ पे बॉटम एज दिया है, ओके। बट वहाँ पे आपका जो लाइंस रहेगा, लाइंस का ऊपर रहेगा डायमेंशन, ये जो दिया है लाइंस का ऊपर रहेगा डायमेंशंस, और डायमेंशन उसका ऊपर रहेगा। और एक बार मैं बता रहा हूँ, एलएन सिस्टम में राइट हैंड साइड एज में डायमेंशन रहेगा और बॉटम में रहेगा, और जो आप जो कुछ भी आपका डायमेंशन का जो वैल्यू है वो लाइन का ऊपर रहेगा, एरो जो लाइंस है डायमेंशन लाइंस उसका ऊपर रहेगा। बट अनडायरेक्शनल सिस्टम में क्या होगा, अनडायरेक्शनल सिस्टम वहाँ पे आपका कुछ भी उसका मतलब जो लिख रहे हो आपका डायमेंशंस, वो डायमेंशन उसका अंदर रहेगा, ये है देखो, ये उसका अंदर में है अनडायरेक्शनल सिस्टम में, और एलएनएस सिस्टम में उसका ऊपर है, डिफरेंस देख सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट देखेंगे यूनिट डायमेंशन जो भी हमारा रिप्रेजेंट कितना किस कौन सा यूनिट में होता है, जनरली मिलीमीटर्स पे, ये सब मिलीमीटर पे हम रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशंस। और कितना है ये जो डायमेंशन का हाइट कितना होना चाहिए, 3 mm to 5 mm होना चाहिए फिगर्स। देन एरोहेड में आपको बोल चुका हूँ उसका 3 times इट इज़ अ मैक्सिमम विड्थ। नेक्स्ट देखेंगे उसका जो हमारा कुछ डायमेंशंस का डायमेंशन लाइंस का बारे में, जैसे किसको क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे मान लो ये एक आपको यहाँ से इतना डायमेंशन डालना है, तो ये जो दोनों है ये और ये, उसको एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं, वो है हमारा एक्सटेंशन लाइन। देन ये जो एरो हेड है, एरो हेड को क्या है, एरो हेड, उसको एरो हेड बोलते हैं।
और डायमेंशन ये जो लाइन्स है ये टोटल लाइन्स को डायमेंशन लाइन बोलते हैं। और यहाँ पे ये ऑलरेडी 96 लिख दिया, और ये 96 लिख का कौन सा डायमेंशन में जाता है, कौन सा एलएन में जाता है बताइए, कौन सा डायमेंशन सिस्टम में जाता है, एलएन में जाता है। अगर इसका अंदर में रहेगा तो आपके आपका कंडीशन आइनोडायरेक्शनल सिस्टम में जाएगा। ओके नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे ये एक हॉल का दिया है, ये इसको बोलते हैं लीडर लाइन। लीडर लाइन क्या होता है, कोई लीडर लाइन एक पॉइंटर जैसा होता है, एक थिन कंटिन्यूस पॉइंटर जैसा, और उसका एंगल रहता है आपका 30 डिग्री। यहाँ पे इसका एंगल 30 डिग्री रहता है लीडर लाइन का, और उसका एंगल 30 डिग्री वो हर सर्कल और कुछ भी पोजिशन का डायमीटर मतलब डाया रिप्रेजेंट करने के लिए लीडर लाइन खींचते हैं। ये है लीडर लाइन, और ये लिखाना टू हॉल्स मीन्स अब दो ना हॉल्स डायमीटर टूल्स। ये है नोट, यहाँ पे डायमीटर टूल्स दिया है, ये है डायमीटर का सिंबल्स। ओके कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा उसके बारे में, पूरा डिटेल्स बताऊंगा और कोशिश करूंगा समझाने के लिए कुछ भी डाउट है उसके अंदर से। तो ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो जा रही है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, और वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, डायमेंशन के बारे में कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखेंगे, ये तो उसका था एक्सटेंशन लाइन, एरोहेड, हॉल्स, ये सब कौन सा पार्ट को क्या बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, कुछ देख सकते हो यहाँ पे, जो दोनों हर का 3x होना चाहिए, जहाँ पे अगर कुछ भी डायमेंशन, यहाँ पे ये डायमेंशन ये डायमेंशन रिप्रेजेंट करना है तो आपका ये डिस्टेंस 3x होना चाहिए, 3x। ओके और एक ये दोनों ड्राइंग का डिफरेंस क्या देख सकते हो आपके, दोनों ड्राइंग का डिफरेंस डायमेंशन जो सिस्टम है मीन्स आपका वो डायमेंशन सिस्टम था, ये अरेंजमेंट मीन्स आपका जो एरोहेड्स जहाँ पे डायमेंशन जो वॉल से देना है, कुछ भी करना है, रिप्रेजेंट करना है, ये देख सकते हो दोनों का ए एंड बी, बी दोनों का डिफरेंस है ना। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, एक है कॉन्टिन्यूस चेन डायमेंशंस मीन्स आपका यहाँ से ये डायमेंशन दे दिया, देन यहाँ से ये, यहाँ से जो भी दे सकते हो आप, देना है दे सकते हो। बट और एक है प्रोग्रेसिव पैरेलल डायमेंशन मीन्स क्या है, ओनली वन वॉल्स। प्रोग्रेसिव पैरेलल डायमेंशन क्या है, ऑल डायमेंशन शो इन द फिगर इन द कॉमन बेस, एक कॉमन बेस, इसको बोलते हैं कॉमन बेस लाइन से ऑल डायमेंशन रिप्रेजेंट हुआ है। ये हमारा प्रोग्रेसिव पैरेलल डायमेंशन, ये देख सकते हो प्रोग्रेसिव पैरेलल डायमेंशन। जो हाईलाइट में अभी किया वो है हमारा ये वाला प्रोग्रेसिव पैरेलल डायमेंशन, देन उसके बाद ये हमारा है क्या ना कॉन्टिन्यूस और चेन डायमेंशन, कॉन्टिन्यू और चेन डायमेंशंस। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है हमारा कुछ हॉल और डाया का रिप्रेजेंट सिस्टम दिया है, कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे यहाँ पे ये सब रिप्रेजेंट किया है 18, 10, ये सब रिप्रेजेंट कैसे रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। और ये भी हॉल्स डायमीटर्स, इसका एंगल मैं आपको बोल चुका हूँ ऑलरेडी 30 डिग्री रहता है, देन ये पीएच का ये सब दिया है रिप्रेजेंट कैसे किया है डायमेंशंस। नेक्स्ट देखेंगे लेटर्स, लेटर एस क्यू, यहाँ पे जैसे लिखा है लेटर एस क्यू शार्फ, ये सब लेटर्स ऐसे लिखते हैं। देन एंगुलर, कुछ भी एंगुलर चीज़ का डायमेंशन दिया है तो यहाँ पे ये एंगुलर चीज़ का डायमेंशन कैसे देना है, यहाँ पे दिया है ऑलरेडी एंगुलर पार्ट का मतलब एंगुलर कुछ भी है उसका डायमेंशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे दे चुका है। इसका एंगल ये 90 डिग्री, 120 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री, ये सब एंगुलर का डायमेंशन रिप्रेजेंट। नेक्स्ट यहाँ पे ये कुछ फिगर जैसे एक नॉट ऑन नॉट बोल्ट का डायमेंशन दे चुका है, कैसे डायमेंशन उसका रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल तरफ से। देन हमारा अगर टेपर के बारे में है, टेपर का कैलकुलेशन कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई एल इक्वल टू 1/10, टेपर का डायमेंशन कैसे रिप्रेजेंट होता है, यहाँ पे ये दोनों फिगर में दिया है टेपर डायमेंशंस। नेक्स्ट लास्ट में हमारा है कुछ करेक्ट और इनकरेक्ट ड्राइंग दिया है, मीन्स डायमेंशन रिप्रेजेंट जो भी किया है वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है आपको देखना है, और इनकरेक्ट रीजन क्या है, इनकरेक्ट क्यों है रीजन वो भी देखना है आपको। आप खुद उसको प्रैक्टिस कीजिए, ये सब वीडियो को पॉज करके नहीं तो स्लो करके खुद उसको प्रैक्टिस कीजिए, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। ये तो था आज का हमारा डायमेंशन का ऊपर सब्जेक्ट, जो भी डायमेंशन का ऊपर टॉपिक था, तो उसका ऊपर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और
दूसरा किसी चीज़ का ऊपर मतलब दूसरा कुछ सब्जेक्ट का ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपको देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर करने के लिए मत भूलिएगा। थैंक यू।